हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वरूप दीक्षित। मैं COVID-19 रिकवर पेशेंट हूँ। अभी 27 मार्च को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया गया है। मैं आपके साथ अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही 19 मार्च को पता चला था कि मुझे COVID-19 बीमारी है, मैं उसमें पॉजिटिव टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। वैसे ही मुझे यहाँ से दून हॉस्पिटल लेके गए थे और मुझे वहाँ ले जाके वहाँ पे मेरी देखभाल की गई। मैं खासकर नर्सेस और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनके जज्बे को सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि COVID-19 ग्रसित लोगों से बाकी लोग 3 साढ़े 3 मीटर की दूरी से ही बात करते हैं या दूर ही रहते हैं, पर ये जो नर्सेस थी, स्टाफ था या फिर डॉक्टर्स थे, ये हमारे पास आकर हमारा ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जबकि उनकी खुद की लाइफ डेंजर में थी, फिर भी वो अपने कर्तव्य से हटे नहीं। और दूसरी बात, मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, सरकार के आदेशों को नहीं मान रहे, तो मुझे बस यही बताना है, ये सरकार ने जो भी पाबंदियाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, ये समाज के स्वास्थ्य के लिए ही, हम हर एक व्यक्ति स्वस्थ रह सके इसके लिए ही है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये हमारी रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है और इस दौरान हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि किताबें पढ़ना, कविताएं पढ़ना, हमारी कोई हॉबीज होगी तो उसे डेवलप करना, या फिर योगा, प्राणायाम, इस सब के जरिए हम मानसिक मजबूती पा सकते हैं, जो कि इस दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग 80% लोग COVID-19 में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाते, पर अनजाने में वो लोग बाकी लोगों को ये बीमारी फैला सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को या फिर जिनको पहले से कोई और बीमारी है, ऐसे लोगों को इस बीमारी से COVID-19 से बहुत ज्यादा खतरा है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि आप सरकार के जो भी रिस्ट्रिक्शंस है या जो भी नियम बनाए गए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, आप सभी का ठीक से अच्छी तरह से पालन करें। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखाई पड़े, आपके खुद के परिवार के किसी के या फिर आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार, नेबर्स के, तो आप जरूर हेल्थ अथॉरिटीज को बताइएगा। हेल्थ अथॉरिटीज आपका पूरा अच्छे से ख्याल रखेगी और आपकी रिकवरी में मदद करेगी। थैंक यू सो मच।